आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आउट ऑफ द बॉक्स मार्केटिंग टेक्निक के बारे में, जिसका कहीं उल्लेख नहीं है। इस टेक्निक को या इस तरीके की क्रिएटिव चीज को हमने लास्ट ईयर, जब हमारी कोरोना की सेकेंड वेव थी, अपने एक मेंटी के साथ हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी ये यहाँ पे आप लोगों को बतानी चाहिए, ताकि आप लोग भी कुछ इसका बेनिफिट उठा पाएँ और हो सकता है कि आपकी इससे सेल्स भी बढ़ जाए। अब अगर हम जितने भी रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, हम लोग चाहते भी हमारे रेस्टोरेंट की सेल बढ़े, और सेल बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं। अब मार्केटिंग में हम लोग करते क्या हैं, हम लोग वीडियोस बनाते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट हम लोग बनाते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, चाहे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, हमारी वेबसाइट होगी, व्हाट्सअप हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनको अपने खाने की अच्छी 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 पिक्चर्स भेजते हैं, ठीक है। हम लोग उनको डिस्काउंट्स भेजते हैं, रेगुलर भेजते हैं, पर तब भी बात नहीं बनती है, या जो भी पैसा हम लोग मार्केटिंग के ऊपर भी खर्च करते हैं उसका रिटर्न नहीं आता है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। दूसरा, जिन आउटलेट के डाइन इन होते हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो जो जो हमारे क्लाउड किचन या टेक अवे होते हैं उनसे ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे हमको करना क्या होता है, जब भी आप लोगों की ऐसी सिचुएशन आए तो आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है, कुछ ऐसा सोचना होता है जो कि आप नहीं कर रहे थे अब तक। आपको ऐसी चीज़ें ही इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, अप्लाई करनी पड़ती है, और फिर उस चीज़ को आपको मार्केट करना पड़ता है, या उस चीज़ की आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो लास्ट ईयर जिस समय कोरोना का था, तो और अभी जितने भी अगर जिस जो आउटलेट्स रीओपन हो रहे थे, तो पहले रीओपन होने में डर लग रहा था कि भाई हमको ओपन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहीं फिर से गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स आ जाएंगे कि भाई और एक्सटेंड करो, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो उस समय हमने अपने आउटलेट्स को ओपन करे, मेरे ही एक मेंटी के आउटलेट थे, और हमने भी लोगों को रेगुलर डिस्काउंट वाले जो मार्केटिंग करनी चालू करी, उनको खाने की अच्छी अच्छी फ़ोटो भेजनी चालू करी, ठीक है जी। हम लोगों ने हाथ धोने की भी कि हम लोग हाथ धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो भी जोमेटो की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आ रही थी, ये सारी की सारी चीज़ें उनको भेजने की कोशिश करी, पर तब भी कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा कस्टमर हमारे पास आने लग जाए। तो वहाँ पर हम लोगों ने आपस में बात करी, अब हमने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। तो इवन जब भी मुझे भी ऐसे लगता है कि भाई मेरी सेल्स डाउन जा रही है, तो मैं कुछ अलग सा कुछ करने लग जाता हूँ, ठीक है। आप देखोगे मैं इतनी चीज़ें अलग अलग करता हूँ, लोगों को समझ नहीं आती है, बट अगर मेरी सेल्स डाउन होती है तो मैं भी कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच के करने लग जाता हूँ, ठीक है। जो ऑलरेडी चीज़ें हो रही थी उससे बिल्कुल आप बोल सकते हैं 100% या 360 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता हूँ। तो जब भी आप देखोगे कुछ नया हो रहा है, तो मतलब मेरी भी सेल्स डाउन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक एयर प्यूरीफायर खरीदा, लगभग 20 से 25 हज़ार का था, और उस एयर प्यूरीफायर को हमने अपने रेस्टोरेंट में लगाया, ठीक है। उस रेस्टोरेंट में लगाने के बाद प्रॉपरली उसकी पिक्चर्स ली गई, छोटी छोटी वीडियोज़ बनाई गई, और उसको हम लोगों ने अपने कस्टमर को भेजा, रेगुलर बेसिस पे भेजा, और उसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। जहाँ लोग खाने की फ़ोटो भेज रहे थे, डिस्काउंट्स की फ़ोटो भेज रहे थे, क्योंकि उस समय लोगों को खाने से कोई मतलब नहीं था, डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं था, बट वो एक ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ पे कि वो सेफ़ हों, ठीक है, और उनको वहाँ जाके किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ठीक है। सैनिटाइज़र वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी लोग यूज़ कर रहे थे, बट वहाँ पे अलग क्या था, वहाँ पे अलग था एयर प्यूरीफायर, जो कि हमारी एयर को, हमारे उस वातावरण को प्यूरीफाई कर रहा था। और आप देखेंगे कि वहाँ से हमने बहुत अच्छे रिजल्ट आए, और उस जो प्राइस था उसका 20 से 25 हज़ार था, वो तो एक दिन में ही कवर हो गया था, ठीक है, उसी दिन कवर हो गया था। तो यहाँ पे हमने जो भी किया वो एक आउट ऑफ द बॉक्स था, जो कि अगर आप बोलेंगे, अगर हम एक रेस्टोरेंट है तो हमें खाने की फ़ोटो भेजनी चाहिए, ठीक है, अच्छी अच्छी वीडियोज़ भेजनी चाहिए खाने की कैसा बनाते, बट वहाँ से हमने बिल्कुल अलग सोचा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी आपके आउटलेट्स में कुछ ऐसा करना चाहिए, सिर्फ खाने की चीज़ें की फ़ोटो ना भेज के, या सिर्फ खाने को मार्केट ना करके, ऐसी चीज़ों को भी मार्केट करना चाहिए जो कि आपके कस्टमर को आपके पास तक लेके आए। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया था, बाकी क्रिएटिविटी है, कुछ भी हो सकता है, और आप भी मैं बोलूँगा कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोग भी सेल्स और अपनी इंक्रीज़ करना चाहते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, नीचे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।